आज की वीडियो होने वाली है लीक से हटके, यानी कि DTS से हटके ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे बिल्कुल नया तरीका। आप लोगों ने YouTube पे देखा होगा, लेकिन हमारे चैनल पे ये पहली वीडियो है भाई। और ये ना DTH की है, ना डिश सेटिंग की है, एकदम हट के है और एक नया एक्सपेरिमेंट है हमारे चैनल पे, कि आप लोगों को देखते हैं अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। और आप लोग अपना कॉमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के नीचे, नाइस वेरी नाइस का भी कॉमेंट करना, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो यार, बहुत मैंने बोल लिया यार, चलो वीडियो दिखाते हैं। देख सकते हैं मेरा बैग है और इस बैग में भर के माल मैं रखे हूँ। तो माल क्या है, मैं एक एक माल दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये कोको कोला, ये है दोस्तों पेप्सी, और ये है दोस्तों थम्स अप, ये है दोस्तों दिखा रहा हूँ मैं, ये है स्प्राइट, और उसके बाद से ये है दोस्तों, ये भी स्प्राइट है, प्लस दोस्तों मेरे पास नमक है और सोडा है, और उसके बाद से मेरे पास कुछ पल्स है, जो कि आप लोग देख सकते हो ये पल्स है। इस पल्स को मैं इन बोतलों में डालूंगा और डालने के बाद मैं देखता हूं कि क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये नमक और बेकिंग सोडा है, और उसके बाद से देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पल्स है। इस पल्स को हम सबसे पहले इस बोतल को खोलेंगे। इस बोतल में ये देखिए, तीन ले लिया है और बाकी इधर रख दिया है। अब मैं इस पल्स को मैं देखता हूँ कि क्या होता है इसमें डालने में। जैसे बुलबुले आ रहे हैं इसमें, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पल्स डालने के बाद भी इसमें कुछ नहीं हुआ, यानी पल्स की बहुत सारी वीडियोज हमने देखा था जिसमें कि बहुत ऊपर तक इसके फुहारे बनते थे, उछलते थे। तो खैर, हम अभी इसमें थम्स अप में भी देखेंगे, पेप्सी में भी देखेंगे, सब में देखेंगे हम इसी को। खैर, इसमें से आवाज़ आ रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो खैर, अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है। खैर, गैस इसकी निकल चुकी है, बेकिंग सोडा से देखते हैं क्या होता है। ये इतना बेकिंग सोडा है और हम देखते हैं इसमें, ये बस ये देख सकते हैं आप लोग, बस इतना कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ। ये हमारा कोका कोला है, कोका कोला में देखते हैं बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है। ये देख सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये जमा हुआ बेकिंग वो था। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस ऊपर हल्का हल्का ऊपर बस निकल रहा है। हमने बेकिंग सोडा का भी देख लिया, अब नमक का देखते हैं इसमें। ये तो बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, ये हम इसे फेंक देते हैं, ये भी फेंक देते हैं, ये भी हमारा बेकार हो गया है। और लास्ट ये देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ बस। इसको करने में 5 बोतलें मेरी ख़राब हुई हैं। इन बोतलों में कुछ नहीं हुआ, नमक मेरा ख़राब हुआ, टॉफ़ी, बेकिंग सोडा, कुछ नहीं हुआ। खैर, जो भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मेरी समझ से नहीं सही है, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें बस। इतना तो हाथ से ही हो जाएगा यार। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि मैंने तीन तरीके से मैंने अपनाया, कोका कोला, स्प्राइट और थम्स अप, पेप्सी में, तीन तरीकों से मैंने अपना काम किया। लेकिन यार
वीडियोज में मैं देखता हूँ कि बहुत ऊपर तक उसके कोल्ड ड्रिंक मतलब उड़ता है, यानी कि ऊपर तक फेंकता है, जो बोतल है वो फेंकता है। लेकिन दोस्तों मेरे पास जो हुआ, आप लोग देख सकते हो, ये देखो कोई, ये पूरी कोल्ड ड्रिंक मेरी ख़राब हो गई, मैंने फेंक दिया। बहुत पहले ये देख सकते हो पूरी कोल्ड ड्रिंक मेरी ख़राब हो गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और ये देख सकते हो नमक की पुड़िया है, नमक भी मेरा बेकार हो गया, लेकिन कुछ हुआ मतलब इन सब चीज़ों से कुछ हुआ नहीं। ये देख सकते हो मैंने पूरा फेंका है। तो खैर दोस्तों, आपको अगली वीडियो कैसी देखनी है आप हमें कमेंट करें और बताएं कि किस प्रकार की वीडियो आपको अगली देखनी है, उसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए बना के दिखाएंगे अगली बार। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाकी अपने घर से, अपने स्टूडियो से बहुत दूर आए हैं, ये देख सकते हैं गांव टाइप का है, शहर में ही है। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।